156 टीए गए हैं। यहां पर बैठे हुए 39 आरआर के सीओ साहब, उनके मैं सबसे पहले तो इनके माता पिता को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में अपना नमस्कार करता हूं कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो इस धरती इस देश के काम आया। सबसे बड़ा धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म जो करते हुए शहीद हुआ, उससे बड़ा शहीद और उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। तो राष्ट्र के काम आया औरंगजेब, उसको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया जो पूरे इतिहास में हिंदुस्तान तो क्या दुनिया जानती है। औरंगजेब का नाम आप यूट्यूब पे देखिए, विकिपीडिया पे देखिए, तो ऐसा काम करके गया है कि आसपास के इलाके का नाम रोशन किया। और उनके माता पिता को दोबारा मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और बहुत बहुत यहाँ आए हुए सभी अधिकारी को धन्यवाद। हमारे औरंगजेब के नाम को मरने नहीं देना है, उसको जिंदा रखना है। और मैं ये जितने यहाँ पे ऑफिसर मौजूद हैं उनके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, हमारे डीएसपी साहब हैं उनके माध्यम से ये चीज़ कहूँगा कि औरंगजेब के नाम पे सलानी गांव के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि आने वाली हमारी नस्लें याद रखें कि हमारा एक नौजवान था जिसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी, ताकि आने वाली जो नस्लें होंगी हमारी वो भी शहीद औरंगजेब को याद करती रहे। मैं इनसे बात करूं कहूंगा कि इस बात को हमारी को ऊपर पहुंचाया जाए, खासकर गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए, एलजी साहब तक पहुंचाया जाए कि शहीद औरंगजेब के नाम पे सलानी के अंदर कुछ ऐसी कोई आप चीज दे जाएं जो हमारी नस्लें भी याद रखें कि हमारा एक वीर जवान था शहीद औरंगजेब जिसने 14 जून 2018 के अंदर अपनी जान को परवाह न खेलते हुए, क्योंकि जब मौत आ जाती है तो इंसान को खतरा होता है कि मैंने मरना है, लेकिन नौजवान शहीद औरंगजेब ने दुश्मन के साथ आखिरी सांस तक वो लड़े, दुश्मन के साथ बात करते रहे, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, जो उन्होंने सवाल किए वो उन्होंने तुरंत जवाब दिया उनका। मैं भी सलूट करता हूं ऐसे नौजवान को और इंशाल्लाह हमें फख्र है हमारे सलानी के अंदर उससे भी 100-200 ऐसे नौजवान हैं जो अपनी देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। ऐसे नौजवान शहीद औरंगजेब और भी इस गांव के अंदर हैं, तो इस गांव को नजरअंदाज ना किया जाए, हर जगह कोई भी काम हो हमारे सलानी गांव को उस लिस्ट में डाला जाए। अब मैं बहुत सारे ऑपरेशन में उसके साथ हिस्सा लिया है, मेजर रोहित शुक्ला मेरा दोस्त हुआ करता था, और जितने भी पुलवामा में 44 आरआर के तहीं ऑपरेशन होते थे तो एज ए डीएसपी ऑपरेशन मुझे ही जो इनपुट आते थे या इंफॉर्मेशन रिसीव होती थी। न्यौछावर की उस वक्त मैं श्रीनगर में ही तैनात था और ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसको बड़े ही कायराना ढंग से जो देश विरोधी उग्रवादी या आतंकवादी थे उन्होंने दहशतगर्दों ने अंजाम दिया। जब तक औरंगजेब के हाथ में हथियार था उसके आसपास कोई नहीं पटक सका, लेकिन उन्होंने ऐसा मौका देखा कि जिस दिन वो निहत्ता था, जिस दिन उसके हाथ में हथियार नहीं था, धोखा जो उसके साथ किया गया और उनकी जान ली गई। इस वीर सिपाही का प्रमाण यही है कि इनको मिले हुए दिलेरी के जो अवार्ड है शौर्य चक्र सेना मेडल, इतने बड़े अवार्ड किसी आम सिपाही को नहीं मिलते, ये धन्य है। मतलब वो जननी वो माता जिन्होंने इनको जन्म दिया, धन्य है ये गांव जिसने इतना वीर सिपाही पैदा किया, और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने एक बेटे को अपने देश के नाम निशान करने के बाद अपने दो और बेटों को फौज के अंदर भेजा। मेरा आपको नमन है, उनके पिता को, उनकी माता को, इस गांव को। चले गए एसएसपी पुंछ ऑडिशन डीसी साहब और 39 आरआर के सीओ साहब और अपने 168 बटालियन के रियासत के सीओ साहब और इतने दूर से रजौरी से अपने ट्वेस साहब चौधरी साहब और मैंडर से अपने जाहिर आबाद साहब और बाकी
जो सैनिक के नौजवान और पुलिस इंस्पेक्टर जितने भी बार ये नौजवान में सबको अपनी तरफ से और अपने गांव सलानी के जो लोग बैठे हैं सबको मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार के तरफ से सलूट और सलाम करता हूं, जिन्होंने इस मौके पे होगा कि कुरान के अंदर है, ग्रंथ के अंदर है, गीता के अंदर है, सिर्फ इंसान की बात आती है। यहां किसी मजहब की बात, ऊंच नीच की बात नहीं होती। और इसलिए मैं सभी जो अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किए हैं, लेकिन हमें चाहिए कि जो आपसे बड़ा है, जो ओहदेदार हैं, उनकी कदर कैसे करनी है, उनको कैसे उनका वेलकम करना है, छोटे का कैसे करना है, वो हमें खुद करना चाहिए। वो क्यों, एक ही नजर से सबको नहीं देखा जाता। अगर यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ सबसे बड़ी एक हिंदुस्तान के अंदर, खासकर जो श्रीनगर कश्मीर के अंदर है, कि मतस्वी है, कौम की बात, जात पात की बात, इस चीज को लेकर हमने अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इसलिए मैं सबसे यही एक गुजारिश करता हूं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा खून एक है, हम एकता होके अपने देश के लिए अपना बलिदान करें, सबसे बड़ी बात यही है। अब यहां ये जो बात नीचे चलती रहती है, छोटी मोटी बात, ये फलां है, ये फलां है, इस चीज को बंद किया जाए, तो फिर ये एक, मैं पहले भी, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, मैं अभी बोलना ही छोड़ दिया कि सबसे बड़ी बात यही है कि देश के अंदर जो बाहर से आया हुआ दुश्मन हमारे देश में अगर नुकसान करे तो बड़ी एक दुख की बात है। हम उसको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लपेट भी लेते हैं, हम बिजनेस करते हैं। तो मैं सबसे, ये पूरे हिंदुस्तान से, मैं पूरे डिफेंस से, पूरे बेल्ट फोर्स से, पूरे जो नेता लोग हैं सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनका वेलकम ना करें। जो अपने देश के अंदर ही अगर कोई गद्दार है तो उसको हटा के थोड़ा साइड में कर दें, ताकि हमारे देश का अच्छा इंतजाम चल सके। मैं इसी पे बंद करूंगा, क्योंकि मैं अपने देश के लिए आज भी, मेरा दिल कहता है कि मैं देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी मैं दूं। तो मैं इसी पे खत्म करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।